राम लक्ष्मण सीता का वनवास हुआ तब से ही मंदिर है। पीछे ही थोड़ा सा रोक देना था, कीचड़ फंस गए। निकालिए, पहले निकाल लीजिए। क्या दोस्तों, तो अभी हम लोग जा रहे हैं जटाशंकर मंदिर और उसके आगे कालेश्वर मंदिर भी है, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और घूमते हैं। जटाशंकर मंदिर वाल्मीकि नगर का, यहाँ पे मौसम बहुत बढ़िया है और रोड पे जो गाड़ी चलाने का मज़ा है ना, सीधा जाएगा। बता रहे यहाँ के लोकल की रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, जटाशंकर मंदिर जाने का रास्ता ये है, लेकिन रास्ता ख़राब होने की वजह से बंद कर दिया गया इस फाटक को। साइड से रास्ता, बाइक बाइक नहीं। जटाशंकर मंदिर का रास्ता बहुत ख़राब होने की वजह से वहाँ हम लोग नहीं जा पाए, तो चलिए आगे एक और मंदिर है कालेश्वर मंदिर, वहाँ चलते हैं। जंगल गजब है भैया, गजब जंगल है, मज़ा आ जा रहा है। लग रहा है हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग जहाँ होती है वहाँ पे अभी लोग। देखिए दोस्तों, यही है गंडक नदी और यहीं पे जो है पीछे में बैरेज है, उसी बैरेज को खोल दिया जाता है, तो खोलने के बाद जो है पूरा हमारे बिहार में पानी से भर जाता है, बाढ़ का स्थिति बन जाता है। हाँ अच्छा, इसमें तेल भी डालना है हम लोगों, तो नेपाल में डालेंगे। अभी है तेल, अभी तो पूरा आराम से घूम लेंगे यहाँ पे हम लोग। गजब का व्यू है दोस्तों, मज़ा आ गया। इस पार बिहार और उस पार नेपाल। नहीं चल जाएगा, करेगा चल जाएगा, चल जाएगा। देखिए स्कॉर्पियो वाले भाई साहब इधर आ गए, हम लोगों को कीचड़ में उतरवाएंगे। पीछे ही थोड़ा सा रोक देना था, कीचड़ फंस गए। निकालिए, पहले निकाल लीजिए, निकाल लीजिए आप, निकालिए पहले। चलिए दोस्तों, हम लोग की गाड़ी निकल गई। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ कालेश्वर मंदिर के पास और यहाँ पे हरी कीर्तन हो रहा है। चलिए अंदर को लेकर। Oh,
जानकारी लेते हैं इस मंदिर के बारे में, बताएंगे क्या है इस मंदिर की कहानी बाबा। अरे मंदिर का कहानी बहुत पुराना मंदिर है जी, जी। सब मंदिर से पुराना मंदिर है, पूरे भारतवर्ष में सबसे पुराना मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है ये मंदिर। कौलेश्वर जी, कौलेश्वर मंदिर, कौलेश्वर मंदिर जी, त्रिवेणी धाम, आपका सोनहा नदी, सोनहा नदी के पास में है, सोनहा नदी के पास में नदी है, त्रिवेणी का बगल में, त्रिवेणी के बगल में। और ये मंदिर जो है कौन से एरा से जुड़ा हुआ है, कौन से ईसवी पूर्व से जुड़ा हुआ है ये मंदिर? पहले रामायण काल से, महाभारत से, कब? हाँ, सीता जी, राम लक्ष्मण सीता का वनवास हुआ तब से ये मंदिर है। अच्छा, उस टाइम से ये मंदिर है। वाल्मीकि जी का स्थान, स्थान के बाद वाल्मीकि स्थान था। अच्छा, इसके बाद वाल्मीकि। तो बता रहे हैं यहाँ पे चक्का जी की बहुत पुराना मंदिर है, जब सीता जी यहाँ पे और सीता जी और राम जी का निवास हुआ करता था तब से है, और वाल्मीकि जी के टाइम से ये मंदिर है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे बहुत ही भव्य और सुंदर मंदिर है, जाना जाता है सामने, बहुत सुंदर है। अभी हम लोग हैं कालेश्वर मंदिर में और यहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा है, प्रसाद लेकर के आए भैया हम लोग के लिए, और उधर चल रहा है लंगर, एक सामने उधर चल रहा है, तो वहाँ भी हम लोग जाएंगे और कुछ प्रसाद खा करके और फिर यहाँ से निकलेंगे। चलिए बढ़ रही है हमारे साथ लॉन्च में, अभी यहाँ पे भोजन चल रहा है और बैठे हुए हम लोग भी खाने के लिए, और उसका कह रहे हैं हम लोग अभी चलिए खाना खा लेते हैं और उसके बाद फिर आगे की ओर निकलेंगे। प्रसाद के रूप में बहुत ही शुद्ध और प्योरिटी के साथ ये खाना बनाया गया है यहाँ पे, और हम लोग को भी बोला गया कि आप लोग बिना खाए नहीं जाइएगा, तो हम लोग बैठे आकर के यहाँ पे खाएंगे। प्रेम राज ब्लॉग, प्रेम राज मोनो।